इधर हरियाणा में राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। हरियाणा में ई टेंडरिंग के मुद्दे पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ सरपंच ही नहीं बल्कि ई टेंडरिंग के मुद्दे पर जेजेपी के विधायक और मंत्री भी अब आमने सामने आ गए। बरवाला से जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग ने ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पर बड़ा हमला किया है। जोगीराम सिहाग ने इस पूरे मामले में देवेंद्र बबली को ही अड़चन बता दिया। जोगीराम सिहाग के वार पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पलटवार कर रहे हैं। बबली ने कहा कि जोगीराम सिहाग सरपंचों को समझाने की बजाय उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। बबली ने कहा कि जब वो हिसार गए थे तो जोगीराम सिहाग ने कई गांव से लोगों को उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए भेजा था। मैं सीधे सीधे तौर पे ये कहूं कि देवेंद्र बबली ही इसमें अड़चन है। अच्छा। हाँ, मैं सीधा तौर पे कहता हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी 10 जनवरी को मीटिंग थी, सभी पर सरकार के विधायक जितने भी थे हम सभी बैठे थे, मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री जी भी थे। तो जैसे ही ये मुद्दा आया, उठाया हमने, कहा जी ये करो आप सरपंचों के लिए। तो इवन अनिल विज ने भी कहा जी ये सरपंच सही है, इनको उठा आप करो इनका ये हल समस्या का। लेकिन बबली तुरंत बोल गया बीच में, नहीं 80% सरपंच जो है खुश हैं। और मैंने ये कहा कि भाई नहीं, ये आप सही नहीं कह रहे, 80% सरपंच खुश नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री जो है बीच में थोड़ा सा बीच बचाव करके इस मुद्दे को वहीं छोड़ दिया। ऐसा भाई, वो जो की खतर में के घूम रहे भाई, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहे हैं। उसको खुद वो इस बात को समझे, उनको समझाने की बजाय उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं गया जब मेरे खिलाफ भी वहां सारे गांव में फोन कर करके भेज रखे थे, मुझे पता है किस किसने भेजे थे। 3-4 लोगों से जब मैं हिसार में गया था, सारी रिपोर्ट सरकार के पास मेरे पास भी है भाई। प्रदेश की डेवलपमेंट के लोगों ने चुने, 2024 में फिर आपको जनता जवाब मांगेगी। आपसे अनुरोध है, चाहे वो विधायक साथी हैं, चुने जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे सरपंच साथी हैं, चाहे हमारे समितियों में बड़े हैं, चाहे हमारे जिला परिषद में बड़े, हम सबकी ड्यूटियां हैं। हर चीज को दुकान के रूप में बना लेना, हर चीज के अंदर एक जो लूटपाट का एक माइंड लेके चलना, ऐसा नहीं संभव हो सकता। सरकार गुणवत्ता के साथ जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है। तो सुना आपने कि कैसे जननायक जनता पार्टी के एक विधायक इसी पार्टी के एक मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि ई टेंडरिंग के मामले में अड़चन कोई और नहीं बल्कि हमारी ही पार्टी के एक विधायक, हमारी पार्टी के विधायक जो कि मंत्री बने वो हैं देवेंद्र बबली। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के ही मंत्री देवेंद्र बबली ये आरोप लगाते हैं कि मेरी पार्टी के एक विधायक हैं जोगीराम सिहाग, जो कि जब मैं हिसार जाता हूं तो गांव के लोगों को भेजते हैं कि जाकर प्रदर्शन करके आइए मेरे विरोध में। यानी कि यहां पर एक ही पार्टी के बीच आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है। ये कोई पार्टी के केवल पदाधिकारी भर नहीं है, ये हरियाणा सरकार के एक मंत्री हैं और दूसरे हरियाणा सरकार में और विधानसभा में बैठने वाले एक विधायक हैं। ये दोनों चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने इन दोनों को चुनकर भेजा है और इन दोनों की ही एक तरीके से कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास ही है। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है जब जेजेपी में इस तरह से विधायकों ने विरोधी स्वर अपने बुलंद किए हों। इससे पहले नारनौन से विधायक रामकुमार गौतम ने भी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अपनी मुखर स्वर में अपनी बात रखी थी। उन्हें भी कसक है इस बात की कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया। वो भी बोलते बोलते अपने संबोधन के दौरान जेपी दलाल के खिलाफ बहुत कुछ बोल गए। तो पहले तो नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम और उसके बाद अब ये दूसरे विधायक हैं जोगीराम सिहाग। यानी कि अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि जेजेपी में कुल मिलाकर जहां 10 विधायक हैं वो भी आपस में ठीक से समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। जेजेपी की राजनीतिक उथल पुथल अब सबके सामने आ गई है, मीडिया के सामने आ गई है, जनता के सामने आ गई है और खास तौर पर मुद्दा सरपंचों का मुद्दा, ई टेंडरिंग का मुद्दा, राइट टू रिकॉल का मुद्दा। और मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, जेजेपी जो कि लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि आंतरिक कलह है, आंतरिक कलह है, आज खुद जेजेपी इसी आंतरिक कलह के मुद्दे पर घिर गई है। बिल्कुल, जिस तरह का जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो विधायक जोगीराम सिहाग की तरफ से की गई हो या पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से की गई हो, ये एक बड़ा एक मसला सामने आ गया है पार्टी के सामने और इस मसले को पार्टी को सुलझाना होगा। हालांकि इस मसले की जो शुरुआत है वो जोगीराम सिहाग की ओर से की गई थी। उन्होंने ही सबसे पहले पंचायत मंत्री को इस बारे
विवाद की विजय 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 मैं आपका रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन मेरे साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से जुड़ गए हैं, पहले मैं उनसे समझ लेता हूं। कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो लोग आपसे ये पूछा करते थे कि तोशाम में उपचुनाव हो रहा है क्या, आप उनसे पूछेंगे क्या कि नारनौंद में और बरवाला में उपचुनाव हो रहा है क्या? धन्यवाद जी। देखिए हम अपनी मानसिकता को बड़ी करके चलते, हमारी सोच छोटी नहीं है। ये जो जेजेपी और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इनकी ना नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। आज जोगीराम सियाग हो, चिराम कुमार गौतम जी हो या रामनिवास जी हो, तो ये सारे और बीजेपी के भी काफी ऐसे विधायक हैं जिनकी अंदर से जो उनके दिल से पूछो कितने परेशान है, और जिनकी अंदर आत्मा ये कह रही है कि भाई हम गलत लोगों के हाथ में फंस गए, और सिर्फ एक ही बात है, ई टेंडरिंग हो, पोर्टल हो, ये गवर्नमेंट टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग की और पोर्टल की गवर्नमेंट रैक बन के रहेगी। जहां तक इनके आपसी कलह की बात है, वो इनका देखिए घर का मामला है, हम इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, पर ये जरूर कहूंगा कि जो ये ई टेंडरिंग का जो मामला चल रहा है। लेकिन कुलदीप जी, जब कांग्रेस के मामले में किरण चौधरी का नाम लिया जाता है, जब कांग्रेस के मामले में बार बार ऐसे रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया जाता है, और आपके आंतरिक मामलों में आपके आंतरिक कलह पर तो बहुत खुलकर बोलती है बीजेपी और जेजेपी, आज जब जेजेपी में ही यही बात उजागर हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि ये तो उनका आंतरिक मामला है? ये देखिए हम इनके मामले में क्या कर सकते हैं, पर ये अभी थोड़े दिन की बात है, मैं आपको और दो चार महीने रुक जाओ, अभी तो दो विधायक बोल रहे, फिर चार बोल लेंगे, फिर दस बोल लेंगे, और मैं कहता हूँ बीजेपी और जेजेपी के और निर्दलीय विधायक अगर कोई ऐसी बात आए कि अगर कोई उनके दिल पर हाथ रख के पूछे, तो दिल से तो सारे ही विधायक इनके खिलाफ है, क्योंकि उन्हें पता है ना उनके कोई विकास कार्य हो रहे, ना कोई उनके कोई एक छोटो इनकी छोटी सी इनकी इनके कहने से इनकी बदलियां तक नहीं हो रही है, तो लोग तो परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, और कुलदीप जी, जो जो एमएलए सिहाग ने कहा है कि ई टेंडरिंग के मामले पर देवेंद्र बबली ही अड़चन है, कितने प्रतिशत सहमत हैं आप उनकी इस बात से? दुष्यंत चौटाला की नहीं है क्या? ये तो आपकी सोच है, आप बताइए। अकेला क्या करेगा, दुष्यंत चौटाला किसका है, उसे पूछो दुष्यंत चौटाला जी से। तो आपको लगता है कि उप मुख्यमंत्री का भी इसमें हाथ है, आप देवेंद्र बबली को अड़चन नहीं मानते हैं? मुख्यमंत्री नहीं है इसमें, अकेले देवेंद्र बबली को क्यों बुराई दे, सभी यही है ये तो इनकी, मैंने कहता हूँ इनकी नीति और नीयत दोनों खराब है, ये लोगों के लोगों लो, नहीं, लोगों की इनकी 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 लोगों की जो सोच है वो अलग प्रकार की है, ये हर चीज में दो गले मुंह की बात करते हैं, कोई भी ले लो, ये कोच वाला मामला है, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कार्यकारिणी की मीटिंग में नहीं आने देंगे, कैबिनेट मंत्री बना बैठा है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, तो ये दोगली बात। तो ई टेंडरिंग को लेकर आप क्या कर रहे हैं कुलदीप जी, फिर कांग्रेस की ओर से क्या हो रहा है? देखिए देखिए हम एक चीज जरूर कहते हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए वो है, उनका उनकी बात को सुनना चाहिए, बैठ के ठंडे दिमाग से मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने दोनों बैठ के इसका बीच का रास्ता निकाल के इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। इन्होंने ये जो मुच्छों की लड़ाई आपस में बना रखी है, वो तो ना प्रदेश हित की है ना गांव की हित की है, तो इसको बैठ के इसको इन्होंने इसका सुलझा कर लेना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी राजनीतिक सोच क्या कहती है, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल, आप क्या कहते हैं इस पर? वैसे मैं एक सी राइट टू रिकॉल की मैं एक बात करता हूँ, वो एक सरपंच के ऊपर क्यों है, एमपी के ऊपर भी हो, एमएलए के ऊपर भी हो, गवर्नमेंट के ऊपर भी हो, अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो उनके ऊपर भी लागू कर दो, ये गलत बात है, ये मैं इसके मैं खिलाफ हूँ, बिल्कुल 101% खिलाफ हूँ। आप चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए? अच्छा, ई टेंडरिंग बिल्कुल सबके ऊपर लागू हो, ये नहीं है कि किसी को एक हम मतलब हमारे पे कुछ नहीं हो और सब सरपंचों पे और उन पे हो, तो ये गलत बात। और ई टेंडरिंग, ई टेंडरिंग में देखो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ये तो मैं आपको एक बात क्लियर कह देता हूँ, इनकी गवर्नमेंट की नीति और ये दोनों खोट है, ये जो पहले यू कहते थे हमारी जीरो टॉलरेंट की बात, और मैं विधानसभा में मैंने पहली बार जो मुद्दा उठाया था, मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी पंचायत मिनिस्टर थे जो बयान देते थे कि मैंने बादली में 16-1650 करोड़ रुपए लगा दिए, मैं कहता था जमीनी स्तर पे 1650 छोटे 6 करोड़ रुपए नहीं लग रहे, गांव की आज हालात देखो बद से बदतर है, रास्ते निकलने के लिए नहीं है। कुलदीप जी कांग्रेस का पक्ष मैंने जान लिया, अब मैं इनेलो का पक्ष भी जान लेता हूँ। मेरे साथ INLD के प्रवक्ता रजत पंजेटा जी जुड़ गए। रजत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बार बार कांग्रेस पर आंतरिक कलह का आरोप लगा देती है जेजेपी, बीजेपी और आईएनएलडी को भी बार बार घेरा जाता है इसी मुद्दे पर। सर, आप ही से अलग हुई है जेजेपी और अब इन्हीं के बीच आंतरिक कलह हो रहा है, अब क्या जेजेपी भी दो फाड़ हो जाएगी क्या? 10 तो विधायक है, उसमें भी 2 से 3 जो है वो मुखर होकर जेजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ई टेंडरिंग को लेकर ये जो आंतरिक कलह देखने को मिला है, आप समझते हैं कि ये जो सिहाग जी बोल रहे हैं, ये आप इससे सहमत हैं नहीं है रजत जी? रजत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आईएनएलडी का पक्ष भी जानना चाह रहा था। आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। तो लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। देवेंद्र बबली ने कहा है कि जब वो हिसार गए थे तो जोगीराम सिहाग ने कई गांवों से लोगों को उनके खिलाफ भेजा था। अब जोगीराम सिहाग वाकई सरपंचों का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वाकई वो सरपंचों की भलाई चाहते हैं, इसमें भी उनका कोई निजी स्वार्थ है या कोई निजी राजनीतिक लाभ है? ये तो देखने वाली बात होगी।